नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 36 पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, अब मैच फ्लोरिडा में खेला जाने वाला है और ये तीसरा मैच होगा फ्लोरिडा का, लेकिन एक भी मैच हो नहीं पाया मेरे भाई। कल भी मैच होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया। परसों भी मैच होने वाला था, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बरसात चल रही है, फोरकास्ट कंडीशंस है। अगर मैच होता है तो मेरे भाई आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस मैच के लिए पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड आपको क्या करना है, कैसे आपको टीम बनानी है, क्या आपको चेंजेस करने हैं, डिफरेंशियल प्लेयर्स आपके लिए कौन हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में है, माइंड में है, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपना सपोर्ट दिखाओ यार, मतलब इतना तो किसी को भी बोल दो ना कि सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो। लाइक का बटन आपके सामने, आपका पैसा नहीं लगेगा, एक सेकंड में आप लाइक का बटन क्लिक कर दोगे। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो बनाने में मजा आएगा, मेहनत करने में मजा आएगा। तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आप देखो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिसे कि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच को लेके। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फायदे बहुत सारे हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि देखिए फ्लोरिडा में जो टीम पहले बैटिंग करती है ना उसको एडवांटेज है, लेकिन कल मैंने आपको बोला था फोरकास्ट कंडीशंस है, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसको फायदा होगा। अब ये चीज मैं वीडियो में तो नहीं बोल सकता था क्योंकि उसी वक्त पता चला था बारिश हो रही थी, ज्यादा फोरकास्ट कंडीशंस थी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं, फ्लोरिडा में ये मैच खेला जाएगा। आप देखिए फ्लोरिडा के पिच मेरे भाई बैटिंग वाइज काफी बढ़िया पिच दिखी है, बैटिंग वाइज बढ़िया पिच, क्योंकि देखिए अभी तो रिसेंट में मैचेस नहीं खेले गए हैं, लेकिन ये पहला ही मैच होगा अगर होता है, वैसे तीसरा है लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप का पहला ही मैच होगा अगर ये होता है। तो जब 2023 में इंडिया यहां पे खेली थी ना तो रन्स यहां पे बने थे 170-180, ये स्कोरिंग है जो कि इस विकेट पे हो रही थी। तो मुझे लगता है बैटिंग वाइज काफी बढ़िया विकेट है, रन्स होने चाहिए, दोनों ही टीमें कर सकती हैं रन्स। अगर थोड़ी सी ज्यादा फोरकास्ट हुई तो फिर जो पाकिस्तान के गेंदबाज है, मोहम्मद आमिर हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं आयरलैंड की टीम के लिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान 160+ जाना चाहिए, आयरलैंड 150+ जाना चाहिए। वो मैच मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इस विकेट पे, 115 वाला, 130 वाला, वो विकेट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तो आप बैट्समैन प्लस ऑलराउंडर प्लस बॉलर्स तीनों है वो इक्वली लेके जाओ, क्योंकि एक बैलेंस्ड पिच है। 16 मैच खेले गए हैं, 11 बैटिंग फर्स्ट ने, 4 चार्जिंग ने, स्कोरिंग पैटर्न जो कि मैं आपको रोज दिखा रहा हूं, अगर आप रोज वीडियो देख रहे हैं, बैलेंस्ड पिच है, 167 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट के मैचेस की बात करते हैं तो ये मैं आपको दो मैच में, दो वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूं। ये देखिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच था, यहां पे वेस्ट इंडीज चैज करते हुए जीता, यहां पे 178 बने, इंडिया जीत गया, यहां 188 बने, वेस्ट इंडीज है वो चैज नहीं कर पाया, यानी कि रन यहां पे बने 160 से नीचे की स्कोरिंग हुई नहीं है तीनों ही मैचेस में आप देख सकते हैं। हाँ, एक मैच में जरूर वेस्ट इंडीज है वो चैज करते हुए 100 रन पे ऑल आउट हो गई थी, बाकी यहां पे विकेट देखोगे ज्यादा नहीं गई, 9 गई है, 11 गई है, लेकिन इस मैच में आप देखोगे तो 17 विकेट चली गई, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 13 से 14 विकेट है जो कि आपको इस मैच में देखने को मिल सकती है। बट सिंपल सी चीज है, आप इक्वली लेके जाओगे, वैसे बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, लेकिन अगर फोरकास्ट कंडीशन हुई तो पहले बॉलिंग करने वाली टीम को एडवांटेज मिलेगा। बाकी 17 विकेट पेसर्स को मिले हैं, 15 फर्स्ट में, 2 सेकंड में, 2 यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में है पेसर्स को ज्यादा विकेट मिली है, 19 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं, फर्स्ट में 8, सेकंड में 11। पावर प्ले में क्या होता है, तो पावर प्ले में आपको मैं कल भी बता चुका हूं, रन्स बने आप देखना, एक तो इस इनिंग को निकाल दो, एक आप इस इनिंग को निकाल दो, एक आप इस इनिंग को निकाल दो, 12 में से 3 इनिंग्स में केवल पावर प्ले में ज्यादा रन्स नहीं बने, अदरवाइज 9 इनिंग्स में है वो 50 से प्लस की स्कोरिंग हुई है,
यानी कि बैटिंग वाइज ठीक विकेट है, उतनी खराब विकेट नहीं है, यहां पे रन्स बनते हैं, इसलिए तो यार नौ इनिंग्स में है जो कि 50 प्लस रन्स बन गए, लेकिन विकेट्स भी गई है। ये एक इनिंग्स निकाल दो, उसके अलावा आप देखोगे विकेट्स भी गई है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 12 में से 8 इनिंग्स में पावर प्ले में 2 या फिर 2 से ज्यादा विकेट गई है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये आपके ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। आप एक टीम ऐसे बना सकते हो जहां पे पावर प्ले में 1 विकेट जा रही है, एक टीम 2 विकेट जा रही है, और लास्ट आप 3 विकेट तक बना सकते हो, वो भी आप आयरलैंड को उसमें एक्सपेक्ट करना, 3 विकेट शायद पाकिस्तान की टीम है वो ना खोए पावर प्ले में, समझ गए। बाकी यहां से देखो 4 मैच खेले गए, 3 पाकिस्तान ने जीते और 1 मैच है जो कि आयरलैंड की टीम ने जीता है। यहां पे अब आपके फायदे पे आते हैं दोस्तों। अगर आप लॉस में चल रहे हो, मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लॉस में चल रहे हो, अगर आपको फायदा करना है, अपना लॉस कवर करना है, या फिर आप प्रॉफिट में हो और आपको प्रॉफिट और बनाना है, लॉस में नहीं जाना, स्पोर्ट्स बाजी ऐप पे खेलना शुरू कर दो मेरे भाई। एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे एक ही ऐप में आप फैंटेसी खेल सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्टॉक्स खरीद सकते हो प्लेयर के। इन तीनों के लिए आपको अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते थे, लेकिन अभी आपको केवल स्पोर्ट्स बाजी ऐप पे ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। फैंटेसी में आपको प्रेडिक्शन देता हूं, बाकी जो इजी वे है कमाने का वो है ट्रेडिंग। सिंपली आप देखिए, पाकिस्तान विल विन द मैच अगेंस्ट आयरलैंड। अब मुझे लग रहा है यस, पाकिस्तान है जो कि आयरलैंड के अगेंस्ट ये मैच जीतेगा। आपको यस और नो करना है, अब मुझे लग रहा है यस करना है, तो मैंने क्या किया, ये मेरा 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो फिर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, यस और नो। सिंपली आपको यहाँ पे आप अपना प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको करना है, आप यहाँ पे अपने जो कॉन्टेस्ट है वो कर सकते हैं, और आप सीधी स्वाइप करोगे, आपका कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो जाएगा। अब जैसे कि एनी प्लेयर विल स्कोर 65 और मोर रन्स, अब मुझे लगता है नो, 65 और मोर रन्स इससे ज्यादा कोई भी प्लेयर नहीं बनाएगा, मैंने नो कर दिया। अगर 65 से नीचे ऊपर एक भी प्लेयर नहीं बनाएगा, यहां पे प्रॉफिट हो गया। पाकिस्तान विल लूज देयर फर्स्ट विकेट बिफोर स्कोरिंग 24 रन्स, अब मुझे ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान 24 रन से पहले अपना पहला विकेट गवाएगा, मुझे लग रहा है कि नहीं गवाएगा। आयरलैंड विल लूज देयर फर्स्ट विकेट बिफोर स्कोरिंग 16 रन, ये थोड़ा सा मुझे 50-50 लग रहा है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आप लाइव में भी कर सकते हो, जब मैच चल रहा है उस वक्त भी आप लोग ये ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि नहीं यार ये गलत जा रहा है, आपसे हो गया, तो उससे आप बाहर भी निकल सकते हो, क्योंकि ये है ना, ये चेंज होते रहेंगे, तो उसमें भी आपका फायदा हो सकता है। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, एक बार आप स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड तो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको मजा आएगा। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान विल स्कोर 45 और मोर रन इन 6 ओवर, मुझे लगता है हाँ 6 ओवर में 45 रन बना देगी, मैंने यस कर दिया और ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से स्वाइप करके आप कर सकते हैं। बाकी आप इस कोड का यूज करोगे प्रॉफिट 7, तो आपको 7% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा जब आप डिपॉजिट करोगे, तो ये भी आपको फायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इसका यूज करना चाहिए, एक बार खेल के देखो, स्पोर्ट्स बाजी ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी आप देखोगे यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस, ये आयरलैंड के हैं, डबलिन में खेले गए थे ये मैचेस, अभी खेले गए थे 2024 में, ये मैच पाकिस्तान जीता, ये मैच देखोगे तो ये भी पाकिस्तान जीता। कुछ कॉमन प्लेयर्स में बाल्बिन फ्लो टक्कर के 51, हैरी टैक्टर 32, मार्कडेयर 3 विकेट, यंग के 1 विकेट, रिजवान 56, आजम 75, आजम खान 18 नॉट आउट, आफरीदी 3 विकेट, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को 1-1 विकेट। यहां बाल्बिन एवरेज है, टक्कर अगेन 73 रन, हैरी टैक्टर 30 नॉट आउट, मार्कडेयर 1 विकेट, व्हाइट और यहां पे ग्रैंड होम को 1-1 विकेट। रिजवान के अगेन रन थे, फकर जमान के रन थे, आजम खान के 30 नॉट आउट थे, शाहिनशाह के 3 विकेट और आमिर और नसीम शाह को 1-1 विकेट। यानी कि रिजवान ने अच्छा किया, फकर ने अच्छा किया, टक्कर ने अच्छा किया, ये मेनली शाहिनशाह अफरीदी ने अच्छा किया, ये 3 मेनली प्लेयर है जिन्होंने हेड टू हेड मैच में अच्छा किया, लेकिन वो मैचेस थे डबलिन में, ध्यान में रखना। पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपन कर रहे हैं, उस्मान खान है,
फकर जमान है, इमाद वसीम है, इफ्तिकार अहमद, सदाब खान, शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिश रौफ और मोहम्मद आमिर। ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे हारिश रौफ है और मोहम्मद आमिर, ये आपको दोनों डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, जहां पे शाहिनशाह अफरीदी भी है वो डेथ में गेंदबाजी करते हैं। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और हारिश रौफ, सॉरी, ये जो मोहम्मद आमिर, शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह, ये पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, तो इस तरीके से इनकी गेंदबाजी होती है। फुल स्टैट्स की बात करते हैं। रिजवान का बल्ला चला है 53-31-23, 3 मैच में 66 का एवरेज है, यानी कि आयरलैंड को खेलना पसंद करते हैं। और एवरेज देखोगे T20 करियर का तो 48 का इनका एवरेज रहता है। उस्मान खान के नंबर उतने अच्छे आई नहीं, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 9 में 16 का एवरेज है। मुझे लगता है यहां पे आपको मोहम्मद रिजवान को ट्राई करना चाहिए। अब उस्मान खान की जगह क्या होती है अगर वन डाउन खेलते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में इनको नीचे मेंशन किया गया था, अगर वन डाउन खेलते हैं तो आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन जाएंगे। कौन? उस्मान खान। बाबर आजम का देखोगे तो 33-13-44 का एवरेज है, जब हेड टू हेड आयरलैंड के अगेंस्ट खेलते हैं। टोटल है T20 करियर 41 का एवरेज है, तो आयरलैंड के अगेंस्ट ठीक खेले। फकर जमान का बल्ला नहीं चला, लेकिन आयरलैंड की टीम के अगेंस्ट ठीक है, 49 का एवरेज है, टोटल 23 का एवरेज है। तो फकर जमान फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब आगे इफ्तिकार अहमद थोड़ा नीचे आ रहे हैं, गेंदबाजी भी उतनी नहीं कर रहे, स्टैट्स भी अच्छा नहीं है, 42 रन किए हैं 3 मैच में, ओवरऑल 25 का है, तो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। सदाब खान आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते हैं, हालांकि स्टैट्स देखोगे ना तो सदाब खान के वो स्टैट्स दिखे नहीं है जिस तरीके से वो होते थे। 1 मैच में 0 विकेट आयरलैंड के अगेंस्ट, ओवरऑल 107 विकेट है, बट मैं लेके जाऊंगा क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे रहा है। इमाद वसीम के स्टैट्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे, हेड टू हेड 1 में 3 में 2, ओवरऑल 72 में 70 विकेट। एक चीज का ध्यान में रखना, आप आयरलैंड की टीम को देखोगे तो आपको राइट हैंड बैट्समैन दिखेंगे सारे के सारे, तो उस कंडीशन में फिर इमाद वसीम आपके लिए मस्ट पिक बन जाते हैं, समझ गए। बाकी शाहिनशाह अफरीदी आपको लेना ही है, नंबर उतने अच्छे इस टूर्नामेंट में दिखे नहीं है, हेड टू हेड 3 में 7 है, ओवरऑल 91 है। नसीम शाह के देखोगे तो नसीम शाह के नंबर अच्छे दिखे, हेड टू हेड 2 में 2, टोटल 25 में 19। हारिश रौफ के नंबर्स लगातार अच्छे जा रहे हैं, विकेट्स निकाली है, 68 में 95 विकेट इनके टोटल अपने करियर के हैं। मोहम्मद आमिर के भी अच्छे जा रहे हैं, हेड टू हेड 3 में 3, ओवरऑल 58 में 64। तो मुझे लगता है ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। यहां से अगर आपको किसी को ड्रॉप करना पड़े तो आप नसीम शाह को ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर को तभी ड्रॉप कर सकते हैं जब पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है, अदरवाइज आपके लिए जगह नहीं बन रही है, तो आप नसीम शाह को ड्रॉप कर सकते हैं। यही ओवर डालते हैं मेनली, बाकी इमाद वसीम 3 से 4 ओवर डाल रहे हैं, तो ये मेन 5 गेंदबाज है, कैसे कैसे गेंदबाजी करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, यहां से कोई आता है तो मुझे नहीं लग रहा यहां से कोई आएगा। सैम अयूब है, बट सैम अयूब की जगह नहीं बन पा रही है। आयरलैंड की प्रोबेबल प्ले के लिए एंड्रयू बाल्बिन, पॉल स्टर्लिंग, लॉर्कन टक्कर, हैरी ट्रैक्टर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, गैराथ डेलनी, मार्क अडेयर, बैरी मैक्रथी, क्रैग योंग और जोशुआ लिटिल, ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे। मैक्रथी है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, जोशुआ लिटिल है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, क्रैग योंग है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, मार्क अडेयर डेथ में, यानी कि ये सारे के सारे डेथ में करते हैं। अब डेथ में कौन आता है वो डिपेंड करता है कि किसके ओवर्स अच्छे जा रहे हैं, किसने आज अच्छी गेंदबाजी की है, समझ रहे हो ना, ये ध्यान में रखना। मार्क अडेयर, जोशुआ लिटिल और क्रैग योंग, ये आपको पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। लॉर्कन टक्कर की बात करते हैं, नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट देखोगे 42 का एवरेज है, वेन्यू पे 141 रन कर चुके हैं, T20 करियर 21 का, यानी कि ये जो लॉर्कन टक्कर है ये हेड टू हेड में भी बढ़िया है, ये वेन्यू पे भी बढ़िया है, तो मुझे लगता है तो फिर आपके लिए पिक बनता है लॉर्कन टक्कर। बैटिंग सेक्शन में एंड्रयू बाल्बिन की बात करते हैं तो नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, हालांकि 42 का एवरेज है, वेन्यू पे 7 का, ओवरऑल 23 का, कहीं ना कहीं मैं इसको है वो डिफरेंशियल पिक में रखूंगा क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान की टीम है तो शायद आज थोड़े से रन आपको दिखे। पॉल स्टर्लिंग का बल्ला नहीं चलता, 12 का एवरेज पाकिस्तान के अगेंस्ट, टोटली फ्लोप है, 2 मैच में 18 का एवरेज वेन्यू पे, ओवरऑल 27 का एवरेज है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। हैरी ट्रैक्टर के नंबर्स बिल्कुल खराब जा रहे हैं, 49 का एवरेज है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हैरी ट्रैक्टर का रहता है,
ओवरऑल 23 का एवरेज है। इसको भी मेरा मन है कि मैं हैरी टक्टर को रखूं, लेकिन शायद उतनी जगह बनेगी नहीं। जॉर्ज डॉकरेल के भी नंबर्स ठीक ठाक है, 3 मैच में 15 का एवरेज पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छे नहीं खेले। ओवरऑल 136 में 19 का एवरेज है। तो मैं सजेस्ट यहां से केवल आपको बालबर निकलूंगा, ट्रैक्टर को लेने का मन है अगर जगह हुई तो। कंफर को मैं लेके जाऊंगा, हालांकि नंबर्स उतने बढ़िया इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं आए। हेड टू हेड 3 मैच में 0 विकेट 19 का एवरेज है, ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं। 2 मैच में 17 का एवरेज वेन्यू पे, ओवरऑल 21 का। कंफर को ले सकते हो। डेलनी के देखोगे तो डेलनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे, 2 मैच में 1 विकेट हेड टू हेड, ओवरऑल 72 में 44 है। बारकडेर को मैं लेके जाऊंगा, 34+1 1 19+2 3 मैच में 5 विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट है। T20 करियर 83 में 119 है। तो मार्कडेयर को मैं लेके जाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे मैकृति आपको डेथ में भी दिखते हैं, 2 विकेट है, हालांकि यहां विकेट नहीं थी। हेड टू हेड 1 में 0, वेन्यू पे 2 में 4, ओवरऑल 53 में 51। अगर पहले बॉलिंग करती है आयरलैंड की टीम तो आप ले सकते हो। क्रेग योंग के देखोगे तो नंबर्स अच्छे, विकेट निकाली है, हेड टू हेड 3 में 3 है, 64 में 73। ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहेगा, कौन? क्रेग योंग, क्योंकि जो क्रूशियल ओवर्स होते हैं वो क्रेग योंग डालते हैं। जोशुआ लिटिल के नंबर्स आप देखोगे लास्ट के 2 मैच में उतने बढ़िया नहीं आए। T20 करियर 66 में 78 विकेट है जो कि इनके रहते हैं। पाकिस्तान की टीम में भी राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा है और ये लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज जोशुआ लिटिल को मिल सकता है। दोनों ही टीमों के बैटिंग से ज्यादा मुझे गेंदबाजी पे ट्रस्ट है, तो वो थोड़ा सा एक मेरे माइंड में हो रहा है कि यार अगर पिच बढ़िया हुआ तो प्रॉब्लम, अगर बढ़िया नहीं हुआ तो गेंदबाजी थोड़ी सी बेटर कर सकती है। बाकी आप देखोगे मार्कडेयर, जोशुआ लिटिल, मैकृति और ये जो डेलनी के ओवर करते हैं क्रेग योंग, ये मेनली ओवर डालते हैं। अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहां से मुझे कोई भी नहीं लग रहा कि आएगा बेंच से, बेंच के ये 4 प्लेयर आपको दिख रहे होंगे। प्लेयर्स बैटल में ज्यादा कुछ आपको बड़ा नहीं दिखेगा। मार्कडेयर ने रिजवान को एक बार, बाबर आजम ने क्रेग योंग को, क्रेग योंग ने बाबर आजम को 2 बार आउट किया है, 1 बार होम ने। फखर जमान का देखोगे तो 1-1 बार आउट किया है, बड़ा मैचअप नहीं है यहाँ पे, कोई मैचअप नहीं है। मार्कडेयर ने 1 बार इफ्तिकार अहमद को आउट किया है। बाकी यहां देखोगे शाहिनशाह अफरीदी ने बालबरिन को 2 बार, यानी कि स्ट्रगल किया है एंड्रयू ने, अब्बास ने 1 बार, पॉल स्टर्लिंग, शाहिन ने 1 बार, नसीम शाह ने, लॉर्कन टक्कर ये ठीक खेले हैं, लेकिन अब्बास अफरीदी के सामने 2 बार विकेट है। हैरी टैक्टर का देखोगे तो ये भी एवरेज है, ज्यादा कुछ खा नहीं है लेकिन ठीक खेले। कर्टिस कैम्फर ये भी आपको एवरेज, कोई बड़े स्टैट्स नहीं है। जॉर्ज डॉकरेल कोई बड़े स्टैट्स नहीं है। गिरार डेलनी का कोई मैचअप नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे शाहिनशाह अफरीदी वाला लगा, बाकी आपको बड़े मैचअप्स नहीं दिखे क्योंकि 4 मैच खेले तो उतनी गेंदबाजी एक दूसरे को फेस की भी नहीं है, समझ गए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं टीम मैंने कैसी बनाई। देखिए रिजवान को मैंने रखा, बाबर आजम को रखा, फकर जमान को रखा, अब ये सेम अयूब है, ये बाय मिस्टेक मेरी टीम में है। इसकी जगह आप क्या करोगे, इसकी जगह आप लोगे लॉर्कन टक्कर जो कि आपको विकेट कीपिंग देते हैं। मार्क अडेयर को मैंने रखा, उसके अलावा सदाब खान को एज ए कैप्टन रखा, स्पेशली अगर पहले बैटिंग करती है पाकिस्तान की टीम देन आप सदाब खान को कैप्टन कर सकते हो। कैंपर को रखा, इमाद वसीम को रखा, शाहिनशाह अफरीदी एज ए वाइस कैप्टन, नसीम शाह, हरीश राव। अब अगर पाकिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप मोहम्मद आमिर को अपनी टीम में ले सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है। अब पाकिस्तान की टीम चेजिंग करती है तो आप क्या कर सकते हो, उस वक्त आप फकर जमान को ड्रॉप कर सकते हो और वहां पे आपके पास फिर एक तो ऑप्शन है क्रेग यंग का, क्योंकि ये मैच बनेगा, ये एक तरफा मैच तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा पाकिस्तान वर्सेज आयरलैंड का। लेकिन हमारे पास जगह नहीं है कि हम पाकिस्तान के गेंदबाजों को रखें, तो उस कंडीशन में फिर मेरे भाई आपको यही चीजें करनी पड़ेगी, या तो पाकिस्तान के गेंदबाजों को आप ड्रॉप कीजिए एक आधा को और फिर आप जा सकते हैं। कम से कम मुझे लगता है क्रेग यंग तो होने ही चाहिए आपकी टीम में, तो क्रेग योंग को आप किसी की भी जगह ले सकते हो, लाइक आप कर्टिस कैम्फर की जगह ले सकते हो, इमाद वसीम की जगह मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर चाहे आप हरीश रॉफ की जगह ले सकते हो। ये 2 चीजें आप कर सकते हो अगर आपको अपनी टीम में चेंजेस करने हैं। बाकी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।